हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर का आखिरी पार्ट, और इस आखिरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरोजन टेस्टिंग का मेथड। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो पैरोजन टेस्टिंग के दो मेन मेथड होते हैं, दोनों को मैं अलग अलग बनाने की बजाय एक ही में डालना चाहता हूं ताकि कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो के अंदर मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये पैरोजन टेस्ट होता क्या है। पैरोजन टेस्ट इसलिए करते हैं कि आपके दिए गए सैंपल में अगर कोई पैरोजन या पैरोजेनिक सब्सटेंस है तो उसका इवेल्युएशन किया जा सके, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, उसके ऊपर टेस्ट लगाया जा सके। और ये जो पैरोजेनिक एक्टिविटी है वो क्या होता है, इसके कारण से इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये आपके मेरे या जिस भी किसी व्यक्ति के बॉडी में जाए इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देता है। अब चूंकि डायरेक्टली हम इसको ह्यूमन पे टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आज के इस वाले प्रैक्टिकल के वीडियो में हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के पार्ट को इंक्लूड करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलने के बाद इसको क्लिनिकल ट्रायल की ओर आगे मूव करा सकते हैं, बट नॉट फॉर पैरोजेनिक सब्सटेंस बट फॉर एंटीपायरेटिक ड्रग। तो दो चीजें साथ में चल सकती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पैरोजन के बारे में। पैरोजन होता क्या है, आपने देखा कि पैरोजन टेस्ट क्या होता है, अब ये तो जान लीजिए कि पैरोजन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस पैरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ही एक बॉडी का पार्ट होता है, या तो वो डेड पार्ट होगा या तो वो अलाइव पार्ट होगा, और वो बैक्टीरिया के द्वारा डिराइव किए जाने के बाद हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की जो बैलेंसिंग सिचुएशन होती है इसको वो चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। इसकी वजह से जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे वो बढ़ करके आगे बढ़ने लगता है, एंड दैट इज सिंपली नोन एज अ फीवर। इसे को हम सरल भाषा में बुखार कहते हैं। सो अगर पैरोजन है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में और उस पैरोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर फीवर जनरेट होगा। इसको उल्टा समझिएगा तो ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ड्रग को किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको फीवर होता है, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वाया आईवी, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बुखार कॉज करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि पैरोजन उसके अंदर है। तो बुखार आया तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर पैरोजन था, अगर बुखार नहीं आया तो पैरोजन नहीं था। सो सिंपल इज दैट। लेकिन जितना सिंपल इसका प्रिंसिपल है, इसके प्रोसेस उतने ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके उन प्रोसेस के बारे में, ब्रीफिंग प्रिंसिपल और मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहां पे देख लीजिएगा, इनको मैंने पॉइंट के हिसाब से कन्वर्ट किया हुआ है। ये फार्माकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, फार्माकोलॉजी का बेसिक प्रैक्टिकल है ये। इसके अंदर पहला देखिए, यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ पैरोजन इन गिवन पैरेंटल प्रोडक्ट। इवन गिवन पैरेंटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपको ऐसे ड्रग की इवैल्यूएशन करनी हो जो कि पैरेंटल का एग्जांपल है, पैरेंटल बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा स्टेराइल प्रिपरेशन अपन बोल लें, लाइक एम्प्यूल वायल, ये दो मेन मेथड हो गए आपके इंट्रोड्यूस करने के। तो इनको जब हम कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर पैरोजन है कि नहीं है वो चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि दैट आर कंप्लीटली स्टेराइल प्रोडक्ट, और स्टेराइल प्रोडक्ट में कभी भी कोई भी माइक्रोजम या डेड पार्ट ऑफ माइक्रोजम लाइक पैरोजन नहीं होने चाहिए, इसका ही इवेल्यूएशन कहलाता है। देखिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के दो मेन मेथड हैं, ये बहुत ही जरूरी है, फार्माकोलॉजी का पार्ट है, अगले सेमेस्टर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो मेन मेथड में से पहला है आपका इन विवो और दूसरा है आपका इन विट्रो। तो आज के पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसी इन विवो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अगले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में इन विट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि इन विवो का मतलब क्या होता है और इन विट्रो का मतलब क्या होता है। जब आप बात करते हो इन विवो, इसका मतलब होता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरे के पूरे लाइव एनिमल के ऊपर इंटैक्ट पार्ट के अंदर किया जाता है, उसमें कभी भी कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, वो कहलाता है आपका इन विवो। जैसे एग्जांपल की बात कर लीजिए कि अगर मेरा कोई सर दर्द हो रहा है और इस सर दर्द को ठीक करने की कोई दवाई है, इस दवाई का इवैल्यूएशन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे बॉडी से पर्टिकुलर पार्ट को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें आप मुझे केवल वो ड्रग दे दोगे और मेरे बिहेवियर रिस्पॉन्स को आप देखोगे। एंजाइटी मुझे चेक करनी है कि मेरा डर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा ड्रग से, तो वो आप देखोगे। मेरा फीवर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा ड्रग के प्रेजेंस में, या ड्रग के एब्सेंस में फीवर था तो प्रेजेंस में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना चाहते हैं, तो वह इन विवो कहलाता है। एक सिंपल और सरल लेमैन की भाषा में बात करूं तो अगर हम एनिमल को जिंदा रख करके उसी एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं बिना उसको सेक्रीफाइस किए, बिना उसको रेस्पेक्टफुली किल किए, तो वो कहलाता है इन विवो। लेकिन जब हमको कभी ऐसे ड्रग की एवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है जिसका काम कॉन्ट्रैक्शन
या रिलैक्सेशन करना हो और उसको हम किसी बॉडी के पार्ट को बाहर निकाल करके उसके ऊपर ड्रग को इंट्रोड्यूस करके उसकी एक्टिविटी को वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ लाइक कैमोग्राफ ड्रम की मदद से जो कैमोग्राफ ग्राफ बनता है इसकी स्टडी करना चाहते हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन देखना चाहते हैं, एस्टाइलकोलिन का आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पे क्या असर पड़ता है इसका असर देखना चाहते हैं, तो उस प्रैक्टिकल को उस प्रोसेस को हम इन विट्रो कहते हैं। सेल को बाहर निकाल करके बॉडी से आपके या एनिमल के जो भी पर्टिकुलर पार्ट उसको बाहर निकाल के स्टडी करना ये इन विट्रो कहलाता है। सो पहले हम बात करने वाले हैं आज के सेक्शन में इन विवो के बारे में, इसके क्या क्या पॉइंट है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस पैरोजन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में हम रैबिट को यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या होते हैं और क्या हम सभी एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी एनिमल को उठाकर देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हर एक एक्सपेरिमेंट के स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटल एनिमल का सिलेक्शन किया जाता है उनकी पजेसिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज इन फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो अगर आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को आने वाले सेमेस्टर से पहले ही समझ पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में रैबिट यूज करते हैं। क्या कारण है कि हम रैबिट को ही यूज करते हैं, क्यों बाकी एनिमल को यूज नहीं कर सकते? रैबिट को यूज करने के पीछे दो मेन स्पेसिफिक रीजन है। पहला कि ये जो रैबिट का फीवर जेनेटिक सिस्टम है वो हमारे यानी कि ह्यूमन के फीवर जेनेटिक सिस्टम से काफी कुछ मैच करता है, इसलिए सिमिलैरिटी नजर आ गई। दूसरा, ये जो रैबिट है इसकी बॉडी पैरोजन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। व्हाट डज इट मीन? पैरोजन के प्रति सेंसिटिव होती है, इस कहने का मतलब यह कि अगर थोड़ा भी पैरोजन प्रेजेंट है दिए गए सैंपल में तो उस पैरोजन के अगेंस्ट में वो रिस्पांस देना स्टार्ट करेगा, मतलब इमीडिएटली वो रिस्पांस करेगा, तो बहुत सेंसिटिव है। अगर इसकी जगह मान लेते हैं कोई दूसरा एनिमल होता जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है उसको थोड़े बहुत प्रेजेंस ऑफ पैरोजन से फीवर ना आए, उसको फीवर कॉज करने के लिए मैक्सिमम या बल्क में पैरोजन देने की जरूरत पड़ेगी, तो इससे हम अपने रिजल्ट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। So, थोड़ा सा भी अगर पैरोजन है ये पता लगा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और ये पॉसिबिलिटीज है आपके रैबिट के साथ में। सो जस्टिफिकेशन हो गया कि रैबिट को हमने क्यों यूज किया। इसके बाद देखिए, जो डोज कैलकुलेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फार्माकोलॉजी में आएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, हालांकि ये एक ऐसा वीडियो है जो फार्माकोलॉजी टच करता है और मैं एज अ फार्माकोलॉजिस्ट अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि इसके बारे में कम डिटेल से बताऊं। मैं तो कहता हूं पूरे डिटेल से आपको समझा दूं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि डोज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये इंसानों के जैसा डोज कैलकुलेशन उसके में भी होता है। डोज कैलकुलेशन का अलग अलग फार्मूला है, यंग का फार्मूला है, डिलिंग का फार्मूला है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली है, एज के अकॉर्डिंगली है, तो अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जब आप किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर कोई ड्रग की स्टडी करना चाहते हो तो उसके प्रोटोकॉल में ड्रग का एक स्पेसिफिकेशन दिया गया रहता है। So, यहां जो हम रैबिट को इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रग मतलब यहां पे कोई नया ड्रग नहीं है, बल्कि वो ड्रग जिसके ऊपर आप स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हो, पैरेंटल प्रोडक्ट जिसके ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं आप कि इसमें पैरोजन है कि नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो डोज इज 10 ml पर केजी, यानी कि क्या मतलब हुआ ये समझिएगा, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 10 ml पर केजी, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी रैबिट का जो वेट है वो 1 kg है, वैसे 1.5 के आसपास वो पहुंच सकते हैं, ऊपर सबसे आ सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी रैबिट का जो वजन है, बॉडी वेट है 1 kg है, तो 1 kg के रैबिट को हम 10 ml देंगे। अगर वो 2 kg का होगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कितना देंगे, उसको हम 20 ml देंगे। वैसे ही अगर वो आपका 2.5 kg का होगा तो 2.5 का कितना हो गया, 10 × 10 is equal to 20, और 0.5 के ऊपर आ गया आपका 5, तो 25 ml उसके हिसाब से डोज के हिसाब से दे देंगे। तो जितनी बॉडी होगी, क्योंकि सबके बॉडी वेट एक जैसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्मली बॉडी वेट लिया जा सके। यूनिफॉर्मली लेने से क्या होता है, डोज कैलकुलेशन में आसानी होती है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर नहीं आते। सो हमने इसको ले लिया। जो रूट अपन प्रीफर करेंगे कि उस दिए गए सैंपल को टेस्ट करने के लिए, उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो होगा आपका IV। अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी रूट ऑफ ड्रग एडमिशन पढ़ा होगा, अगले सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पहले टॉपिक के अंदर आप ये पढ़ोगे। तो जब कभी भी हम किसी भी ड्रग को आईवी थ्रू देते हैं जिसको आपको टेस्ट करना है, तो उसका रिस्पांस हमको इमीडिएटली देखने को मिलता है और वो थोड़ा अच्छा रिस्पांस करता है कंपैरेटिवली अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। अगला देखिए, एक्टिविटी बिफोर एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है फार्माकोलॉजी में। जब आप एक्टिविटी कर रहे हो उस समय तो सारे स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन फार्माकोलॉजी में उस एक्सपेरिमेंट के शुरू करने से पहले उसकी बैकग्राउंड कहानी भी होती है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट एनिमल को प्रोक्योर किया, परचेस किया, और परचेस करने के इमीडिएटली बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट ऑलवेज रिजल्ट आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा। कारण क्या है, देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दिस। मेन कारण यह है कि वो जो एनिमल है वो
साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसके अंदर एंजाइटी आ गई है, और एंजाइटी आने से आपके रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। दूसरा, वो जो एनिमल है वो एनिमल आप नए जगह पे आ गया है, नए जगह में आने से उसके बिहेवियर में काफी कुछ चेंज आ सकते हैं, एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, और ट्रैवलिंग के एग्जर्शन की वजह से उसके अंदर बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर राइज हो सकता है। ये तो कुछ ही पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली है, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब हम उनको लेकर के आते हैं तो कम से कम हफ्ते भर उनको उस नए जगह से एडजस्ट करने दिया जाता है, माहौल को एडॉप्ट करने दिया जाता है, ताकि वो प्रैक्टिकल के रिस्पांस को अच्छे से समझ सकें और अपना बिहेवियर उस पर्टिकुलर ड्रग या टेस्ट सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली दे सकें। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको किसी भी नए जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर आप किसी को नहीं जानते हैं, तो क्या आप वैसा का वैसा बिहेव करोगे ओपनली जैसा आज आप कंफर्टेबली करते हो? नहीं ना। लेकिन अगर आपको अनजान लोगों के बीच में 7 दिन या 10 दिन रखने दिया जाए तो धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाओगे और एट द लास्ट ऑफ 10 to 15 days आप यूज टू हो जाओगे उनके रेस्पेक्ट में। सो यहां भी ये चीज़ें काम करती हैं। उसके अंदर हमको डाइट के साथ साथ सराउंडिंग का और फैमिलियरिटीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। डाइट उनको एडिक्वेट मात्रा में दी जानी चाहिए, पानी एड लिबिटम देना चाहिए, उसके साथ साथ उनका जो सराउंडिंग है वो सेफ और हाइजीनिक होना चाहिए। जो आप उसको बेडिंग प्रोवाइड करोगे एक्सपेरिमेंट एनिमल को केज के अंदर, वो बेडिंग अल्टरनेट डेज पे या तो रेगुलर बेसिस पे ज्यादा अच्छा होगा, आपको चेंज करते रहना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड फ्रेशली, उनको आप हर बार उस केज के अंदर केज बॉटल में पानी को रख करके देंगे, ये चीजें हैं। और उसके बाद जो फैमिलियरिटीज, इसका मतलब है कि उसको आसपास के माहौल से फैमिलियर होने दिया जाना चाहिए ताकि रिस्पांस को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। कमिंग टू द स्टेप, अब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? सिंपल सा लॉजिक है, मान लेते हैं कि अभी मेरे बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं कुछ ऐसा चीजें खा लेता हूं या कुछ ऐसी चीजों के कांटेक्ट में आ जाता हूं जिसको लेने के बाद मेरा बॉडी का टेंपरेचर 40-50 या एग्जांपल की बात करें उससे ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फीवर मुझे आ गया, लेकिन आया कब? जब नहीं था और था, इनके बीच में हुआ क्या? इनके बीच में मैंने किसी कांटेक्ट के, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया, उसको इंगल्फ कर लिया, खा लिया या कुछ और कर लिया, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई तो ऐसा चीज प्रेजेंट है जिसने मेरी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया। जस्टिफिकेशन समझ में आई गया आपको? कहते हैं ना कि आपने ये खा लिया इसलिए आपको बुखार हो गया, ये बिक गया इसलिए बुखार हो गया। सो दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ फीवर, पायरोजेनिक सब्सटेंस। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, यूज एक्यूरेट सेंसिंग थर्मोमीटर और थर्मो प्रोब्स। सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप थर्मोमीटर यूज करने वाले हो तो वो बहुत एक्यूरेट हो, उसका जो टेम्परेचर को सेंस करने के बाद इंडिकेशन करने की एबिलिटी वो एक्यूरेट हो, क्योंकि हम फीवर को चेक कर रहे हैं मतलब थर्मामीटर इसमें इंक्लूड हो ही रहा है। तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर यूज कर सकते हो मरकरी वाला, या तो थर्मो प्रोब्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से लीड्स होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं जिनको हमको इंसर्ट करके उसको मेंटेन करना होता है और वो टेम्परेचर को अपने आप थ्रू आउट द साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करता चलता है। तो जो भी आप यूज करें उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करेगा। इसके बाद सेकंड प्लेट क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई अ ल्यूब्रिकेंट टू द टिप ऑफ थर्मोमीटर और थर्मो प्रोब्स टू अवॉइड पेन। इसी को हम पहले समझ लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है हम क्या करते हैं, हम जो रैबिट लेते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में, उनको आप ऑड की संख्या में लोगे, 3, 5, 7, 9 इसके संख्या में जा सकते हैं, बेसिकली 3 का पर प्रीफर कर सकते हैं छोटे लेबोरेटरी के रेट में। इनमें क्या करना है, जो थर्मामीटर है उनको हमको उस बॉडी के अंदर रेक्टल लिड से इंट्रोड्यूस करना है। सो इससे पहले कि आप उसको इंट्रोड्यूस करो, उस टिप पे थर्मामीटर या थर्मोप्रोब के टिप पे आपको ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करना है ताकि उनके रेक्टल लिड में इंसर्ट करते समय किसी तरह का इरिटेशन, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। एंड एक चीज हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, एनिमल भले ही एक्सपेरिमेंटल एनिमल है लेकिन हमको कभी भी उनको अननेसेसरी बिना की जरूरत के पेन कॉज नहीं करना चाहिए। यू शुड बिहेव लाइक अ गुड प्रैक्टिशनर, गुड फार्माकोलॉजिस्ट, एनिमल को रेस्पेक्ट के साथ हर एक चीज करना चाहिए, जितना कम हो सके उतनी तकलीफ उनको दे सके, नहीं के बराबर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इसको लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद जेंटली इंसर्ट करते हैं उसके टिप को उनके रेक्टम पार्ट ऑफ द एनिमल को, ताकि रेक्टम के पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद थर्मामीटर आराम से उनके बॉडी के टेम्परेचर को आपको इंडिकेट करना स्टार्ट कर सके। सो बिफोर एक्सपेरिमेंट उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था वो आपने नोट कर लिया, एक्सपेरिमेंट के बाद यानी कि उस ऑब्जेक्ट को देने के बाद जिसपे आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसमें कुछ पायरोजेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, इसको देने के बाद उसको टेम्परेचर कितना हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि उसके सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई पायरोजेनिक सब्सटेंस है। तो आगे देखते हैं, आपको जो इंसर्ट करना है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक इंसर्ट करना है थर्मोमीटर को या थर्मो प्रोब्स को। इसके कारण से क्या होगा, कॉन्स्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। एंड एक चीज और, कि आपने इंसर्ट कर दिया फिर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, नहीं,
If you have inserted that particular thermometer or thermoprobe, then you should keep the constant. उसको वैसा का वैसा रखने देना चाहिए. And दूसरा important चीज, if probe is being used, अगर आप probe को use कर रहे हो, तो उसको experiment करने से 30 मिनट पहले से ही insert कर देना चाहिए. और उसको पूरा पूरा process जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप उसको experimental animal को IV route से उस drug को नहीं दे देते, response note का नहीं देते, तब तक उसको वैसा का वैसा left inserted करके रखना चाहिए. मतलब insert करके ही रखना चाहिए throughout the experiment. 20 मिनट पहले से लेकर के एक्सपेरिमेंट के खत्म होने तक आपको थर्मोप्रोब को इंसर्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप उसके थर्मोमीटर के अंदर टेंपरेचर के फ्लक्चुएशन को नोट कर सकते हैं. यू तो थर्मोमीटर की बात कही गई है, बट थर्मोमीटर कभी भी उतना ज्यादा इजी या कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए हम थर्मोप्रोब को यूज करते हैं. थर्मोमीटर को यूज करने से एक डिसएडवांटेज भी है कि एक्यूरेट टेम्परेचर का मेजरमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता अगर आप मरकरी वाले यूज कर रहे हो तो. लेकिन थर्मोप्रोब हम यूज करते हैं तो वो पूरे टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को एक डाटाबेस पे रिकॉर्ड करके रखता है, अपने पास सेव करके रखता है, चार्ट प्रिपेयर करके रखता है, तो हमको उसका इंटरप्रिटेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है. सो नाउडेज वैसे तो ये रैबिट मेथड बहुत कम या नहीं के बराबर यूज किया जाता है आजकल. इसके अलावा लाल टेस्ट आ गया है जो कि इन विट्रो का एग्जांपल है, उसको मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में. तो ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी. आगे बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करोगे. रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है कि अगर आपके ड्रग को देने के पहले बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, ड्रग को देने का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में पैराजन नहीं है. लेकिन उस ड्रग को देने के बाद अगर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रैबिट एलिवेट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा, इसका मतलब साफ साफ है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में पैराजन प्रेजेंट है. उसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, एक मोटा मोटा सार मैं आपको दे रहा हूं. यहां पर फार्माकोलॉजी की डिटेल को कंडीशन इफ बट 1, 2, 3 कंडीशन ये अप्लाई नहीं कर रहा. इसमें देखिएगा कि इफ द सम ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रुप डज एक्सीड 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड देन द प्रिपरेशन इंड्यूस टेस्ट इज फेल. अगर यहां पे देखिए, यहां पे मैंने पास लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है इनका एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है, यहां पे मैंने लिखा है डज नॉट, लेकिन मैं पहले आपको समझा रहा हूं डज, तो अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा. लेकिन उन एक्सपेरिमेंटल एनिमल का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है, उसी के नीचे या उससे भी कम रहता है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो पास हो जाएगा. और पास हो जाएगा इसका मतलब है कि उस दिए गए सैंपल में पैराजन प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. इसकी एक लिमिटेशन है, जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका थर्मोमीटर कंपनी या थर्मोकपल मेथड है इंसर्ट करके रेक्टल रूट से, इसमें थोड़ा लिमिटेशन है. इसमें सबसे पहली चीज तो कि आपको एक्सपेरिमेंटल एनिमल की जरूरत पड़ेगी, और एज पर द रूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी हमको एक्सपेरिमेंटल एनिमल को नहीं के बराबर यूज करना चाहिए. वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड लाइक इन सिलिको या इन विट्रो, वो हम प्रीफर करेंगे, पहला डिसएडवांटेज हो गया. दूसरा कि ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. थर्मोमीटर अगर मर्क्यूरी वाला है तो उसमें एक्यूरेट अपन रीडिंग नहीं एज्यूम कर सकते, डिजिटल है तो ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल में भी फ्लक्चुएशन होते हैं. थर्मोप्रोब थोड़ा सा भी ठीक है, तो ये फिर भी एवरेज देखा जाए तो एक्यूरेट नहीं हो सकता. दूसरा, यहां पे जो इंडिविजुअल फैक्टर है रैबिट के ऊपर वो वेरी कर सकते हैं रिजल्ट को. सपोज एक रैबिट को इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गया, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से बॉडी टेंपरेचर एलिवेट हो गया, तो आप ये कैसे एज्यूम करोगे कि जो बॉडी टेंपरेचर एलिवेट हुआ है वो उस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको टेस्ट किया उसकी वजह से हुआ है. हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम रही हो उसके अंदर, तो फॉल्स रिजल्ट देगा जो कि एक्यूरेट नहीं है. तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वाला सेशन तो समझ में आया होगा, जिसमें हमने रैबिट को यूज करके फीवर के प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. चलिए दूसरे बोर्ड में चलते हैं, जहां पे हम इन विट्रो को समझेंगे लाल टेस्ट से. और लाल टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए मूव करते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन के अंदर लाल टेस्ट फॉर पैराजन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं, आप एक चीज देखिए और देख करके समझिए. अभी आपको ये जो बोर्ड है इसका इंडिकेटर जलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सो क्या गारंटी है कि यहां पे लाइट है कि नहीं. ऑल्दो लाइट तो है यहां पर, तभी मेरा वीडियो बन रहा है, बट एक बार सोचिए कि अगर ये ना जले तो हम कैसे पता चलेगा कि लाइट है कि नहीं. इसके पता करने के दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर कोई स्विच लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए ताकि वो आप देख सकें, टेस्टर रिटेल करके देखिए, या तो सीधा अब मैं इसको चालू कर रहा हूं तो देखिए ये जो इंडिकेटर है वो जल गया है. ये इंडिकेटर जल गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इस पे करंट है. सो वैसे ही हम अगर किसी पर्टिकुलर दिए गए सैंपल में उसके स्टेरिलिटी टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू पैराजन टेस्टिंग टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस टेस्ट करने के लिए कोई ऐसा इंडिकेटर उसमें जरूर इन्वॉल्व करेंगे जो कि उस पैराजन के प्रेजेंस या एब्सेंस को इंडिकेट करे. मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट को ही इंडिकेट करते हैं. अगर वो इंडिकेटर है तो वो प्रेजेंट है, और अगर इंडिकेटर नहीं है इसका मतलब है कि वो वहां पे वो प्रेजेंट नहीं.
नहीं है, इसी के अकॉर्डिंगली हम उस टेस्ट को पास या तो फेल डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यह है आपका पैरोजन टेस्टिंग मेथड बाय इन विट्रो मेथड, और उस इन विट्रो मेथड के अंदर हम बात करेंगे लाल टेस्ट के बारे में। इन विट्रो क्या है मैंने आपको समझा दिया, लाल क्या है यह भी समझ लीजिए। लाल का मतलब कलर वाला लाल नहीं है बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म है, और इस लाल का LAL का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इस लाल टेस्ट का जो पूरा नाम है वो कहता है लेमुलस एमोबोसाइट लाइसेट टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट है जहां पे अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पर्टिकुलर सैंपल को ट्रांसफर करते हैं इसके ऊपर, जिसमें आप एंडोटॉक्सिन के प्रेजेंस यानी कि पैरोजन के प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे कुछ ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, ऐसे कुछ सब्सटेंस क्रोमोफोर वगैरह निकलेंगे जिसकी मदद से हम ये देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई दिए गए सैंपल में आपके पैरोजन प्रेजेंट हैं। चाहे तो वो आपके इस पर्टिकुलर लाइट टेस्ट की मदद से एक हल्का सा फॉर्म फिल्म फॉर्म कर ले ऊपर पे, या तो अगर आप इसमें क्रोमोफोर इन्वॉल्व करते हैं तो वो सब्सट्रेट रिलीज होकर के कलर को इंपार्ट करेगा। तो इन दो तरीकों से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिए गए सैंपल में पैरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। आइए देखते हैं कौन-कौन से स्टेप कौन से फॉलो करेंगे। पहला है लाल इज एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड सेल फ्रॉम द अटलांटिक होर्सू क्रैब लाइमस पॉलीफेमस। इसका क्या मतलब है? इन जनरल अगर आप ये सोचते हैं, बुक में अगर ये पढ़ते हैं कि ये आपके होर्सू क्रैब का ब्लड निकाल करके इसके ऊपर टेस्ट करते हैं, तो जनरली हमको ये लगता है कि क्या ये घोड़े के पैर के अंदर से कुछ ब्लड निकालते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये एक होर्सू क्रैब, क्रैब का एक टाइप है, केकड़े का एक टाइप है, जो बिल्कुल दिखने में आपके घोड़ों के पैर के खुर की भांति दिखता है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो होर्सू क्रैब पड़ा हुआ है। और ये अटलांटिक में काफी ज्यादा पाया जाता है। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप गूगल में सर्च कर लें होर्सू क्रैब, तो आप बहुत आसानी से देख सकेंगे कि एक मूव करता हुआ आपको दिखने लगेगा। इसी के ब्लड के सैंपल को निकाल करके हम पर्टिकुलर दिए गए सैंपल को रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्शन में क्या रिजल्ट दिखेगा वो तो आप आने वाले समय में ही देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा लाल है, लाल का मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, याद नहीं तो कम से कम आपकी मेमोरी में रह सके। लाल का पूरा नाम है लाइमुलस एमोबोसाइट लाइसेट टेस्ट, और इसके रिएक्शन कैसे होते हैं? ये जो आपका लाल है रिएक्ट करता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का मतलब है एक ऐसे टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो आपका पैरामीटर है वो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, लाल रिएक्ट विद बैक्टीरिया एंडोसाइन लिपोपॉलीसेक्राइड विच इज अ मेम्ब्रेन कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो आपका बैक्टीरियल एंडोसाइट है, ये एंडोटॉक्सिन सॉरी, वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पैरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया का पार्ट है, सब्सटेंस है, या तो उसका डेड पार्ट होगा या तो पार्ट ऑफ पर्टिकुलर पार्ट का होगा, मतलब पार्ट के अंदर का भी कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपके मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। So, क्या होने वाला है कि अगर मैं इस सैंपल को, जैसे मान लीजिए आपने किसी एम्प्यूल को दे दिया, वायर को दे दिया, और यह बोला गया कि पता लगाइए कि इस सैंपल में कोई पैरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। सो अगर उस सैंपल में पैरोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स या तो उस बैक्टीरिया का कोई एक कंपोनेंट होगा, या यहां पे अगर आप देखोगे तो एंडोटॉक्सिन के रूप में बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होगा। सो वो जब हम ट्रांसफर करते हैं आपके लाल वाले रिएजेंट पे टेस्ट लगाने के लिए, तो वो यहां पे प्रेजेंट ब्लड के साथ रिजेक्ट करेगा और एक फॉर्मली फिल्म का फॉर्म करेगा जिसको देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। सो देखिए आगे, दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ लाल टेस्ट। कौन सा? ये जो आपका रिएक्शन है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स का आपके लाल के साथ, ये उसके बेसिक रिएक्शन का रिजल्ट उसी पे टिका हुआ होता है। क्योंकि आगे जाकर देखोगे तो डिटेक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन को हम इसी प्रिंसिपल से पता लगा सकते हैं। अब ये जो यहां पे चौथा पॉइंट मैंने ब्लू कलर से लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या लिखा है? इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोजेनिक एंडोटॉक्सिन्स, अगर दिए गए सैंपल में पैरोजेनिक एंडोटॉक्सिन्स है तो ये कहां पे फॉर्मली फिल्म का फॉर्मेशन करेगा, एक हल्का सा पतला पतला सॉलिडिफाइंग टाइप का दिखने लगेगा, एक फिल्म का फॉर्मेशन करेगा, और वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके उस पर्टिकुलर सैंपल में पैरोजन प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन है इसको होने में, यानी कि अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर करने के 60 मिनट के अंतराल में आपको ये फॉर्मली फिल्म का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा।
और यही है आपका स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग दिस लाल टेस्ट। इसको हमको इंक्यूबेट करना पड़ेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताकि रिएक्शन को फास्ट अप किया जा सके। ये एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जहां पे हमने रैबिट को अलग करके इस इन्वॉल्वमेंट को यूज किया हुआ है, तो इसको अब आप बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एक एनहांसमेंट भी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहला एक नोट ले लेते हैं। नोट कहता है एंडोटॉक्सिन्स ओनली फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिएक्ट इन दिस मैनर। इसमें हमने एक स्पेसिफिकेशन पहले भी दिया था कि ऐसे एंडोटॉक्सिन जो कि केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा निकाले जाते हैं, इसी के टेस्ट को हम लाल टेस्ट के साथ परफॉर्म करके देख सकते हैं, बाकी के साथ इस पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद देखिए, इट इज 5 to 10 टाइम्स मोर पोटेंट फ्रॉम द रैबिट पायरोजन टेस्ट। अब यहां पे ये जो मेथड है आपका लाल टेस्ट, वो रैबिट की तुलना में, रैबिट मेथड को जब हम पायरोजन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसकी तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पोटेंट होता है। लेकिन कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि कुछ बुक्स में इसको 5 टू 10 टाइम्स ना लिख करके 100 टाइम भी लिखा हुआ है। सो ये जो रेफरेंस आप देख रहे हैं ये आपके लैकमैन की बुक को फॉलो करके लिया गया है, जो कि सुटिस की एक अच्छी बुक है, जो उस बुक के अकॉर्डिंगली 5 टू 10 टाइम्स मोर पोटेंट होते हैं और कुछ जगह इसको 100 टाइम भी लिखा गया है। सो इट इज ऑन यू कि किसके रेफरेंस को आप फॉलो करते हैं, बट आई एम गोइंग थ्रू दिस 5 टू 10 टाइम्स मोर पोटेंट। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो गया। दूसरा क्या कहता है, टेस्ट सॉल्यूशन को अगर हम कैसे परफॉर्म करेंगे, दिस इज अ प्रोसीजर काइंड ऑफ इन वन सेंटेंस। आपने अपना टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, जिस एम्पूल को, जिस वायल को, जिस भी पाउडर प्रोडक्ट को, जिस भी सॉल्यूशन को आपको दिया गया कि भैया चेक करो इस पे है कि नहीं, उसको लिया आपने, उस पे ALAL यानी कि लेमोलस एमोबासाइट लाइसेट को यहां पे ऐड किया, दोनों को इंटरेक्ट करने दिया। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि यहां पे एक हल्की सी टर्बिडिटी फॉर्म होने लगेगी, थोड़ा जो क्लियर सॉल्यूशन था वो धुंधले सॉल्यूशन में बदलने लगेगा और उसके बाद एक फॉर्मली फिल्म का फॉर्मेशन होने लगेगा, ऊपर जो है वो जेल जैसे बनने लगेगा, तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। इसमें एक एनहांसमेंट और हम कर सकते हैं, आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी तो क्रोम का मतलब जानते होंगे। क्रोमेटोग्राफी को छोड़ दीजिए, अगर आपने यहां पर स्टेनिंग भी पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में तो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, इन दोनों वर्ड को भी समझा होगा। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज दैट कि इसी टेस्ट सॉल्यूशन में सब कुछ सेम है, नथिंग बट एक सी चीज यहां पे चेंज हो रही है, इसी टेस्ट सॉल्यूशन में हम लाल को फ्लोर लगा ही देंगे, साथ में एक क्रोमोजेनिक एजेंट को भी ऐड कर देंगे। क्रोमोजेनिक एजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जिसके में क्रोम यानी कि कलर इंपार्ट करने की एबिलिटी होती है, इसी को क्रोमोजेनिक एजेंट कहते हैं। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में अभी कोई कलर आपको नजर नहीं आ रहा है, इस हाथ पे एक डॉट लगा हुआ है रेड का, इस पे मैं एक और डॉट लगा दूं तो आप यहां पे डॉट देख सकते हैं। सो यहां पे ये एक क्रोमोजेनिक एजेंट कहला सकता है क्योंकि ये क्रोमो यानी कि कलर इंपार्ट करने की एबिलिटी रखता है। जबकि दूसरी तरफ यहां पे आप देख रहे हो, इसमें एक एनहांसमेंट ये है कि क्रोमोजेनिक एजेंट को ऐड किया गया है, पहले वाले में नहीं किया गया था। तो क्रोमोजेनिक एजेंट नाम से समझ में आ रहा है कि क्या रिजल्ट देगा, अब ये डेवलपमेंट ऑफ फिल्म तो फॉर्म करेगा ही करेगा, साथ साथ में एक डेवलपमेंट ऑफ कलर इंपार्ट करना शुरू करेगा, एक कलर दिखाने लगेगा, जैसा मैंने आपको यहां इंडिकेट वाले में बताया था कि आप इंडिकेट करके देख सकते हो। सो नाउ दे आर गोइंग टू इंपार्ट अ कलर, और ये जो कलर है वो क्यों बन रहा है, ड्यू टू रिलीज ऑफ क्रोमोफोर फ्रॉम द सबस्ट्रेट अपॉन द एक्टिवेशन बाय द एंडोटॉक्सिन। जब हम इस क्रोमोफोर लाल और टेस्ट तीनों को मिलाते हैं तो क्रोमोफोर आगे रिएक्ट करता है और उसके कारण से सबस्ट्रेट बनते हैं, और ये सबस्ट्रेट के पास एबिलिटी होती है कि वो कलर को इंपार्ट करे, भाई इसीलिए तो क्रोमोफोर लगाया गया है, तो ये कलर इंपार्ट करेगा जिससे हम आसानी से देख सकते हैं। और ये कलर इंपार्ट रिएक्शन एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव के कारण से हो रहा है, जो कि आपके ब्लड के यानी कि आपके जो होल सूप क्रैब के ब्लड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहां पर देख लीजिए, ये कहता है कि लाल लिमुलस एमोबासाइट लाइसेट टेस्ट इज बेस्ड ऑन, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रीमेटिव ब्लड क्लॉटिंग डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट द हॉर्स सू क्रैब फ्रॉम द हॉस्टाइल सी। ये देखा गया है कि ये जो आपका हॉर्स सू क्रैब है जो कि एक केकड़ा है वो समुद्र में रहता है, तो समुद्र में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐसे एनिमल होंगे जो इसको अटैक करते होंगे, इसके अटैक के कारण से होने वाले डैमेज से अपने आप को बचाने के लिए इसके अंदर बहुत पहले से प्रिमेटिव से एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये अपने ब्लड को स्पेसिफिकली क्लॉट करने की एबिलिटी रखता है, और ये तो हमको पता भी है। तो यही इसका एक प्रिंसिपल है कि जब हम इसमें आर्टिफिशियल तरीके से दिए गए टेस्ट के सैंपल को ट्रांसफर करते हैं, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होगा तो वो भी वहां पर रिएक्ट करेगा और क्लॉटिंग फॉर्म करेगा, एंड क्लॉटिंग को तो पता है आपको कि एक जेल जैसा सबसे बनता है, प्लगिंग जैसा सबसे बनता है, इसी कारण से वहां पर देखिए फॉर्म फिल्म का फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट इंट्रासेल्युलर सीरीन प्रोटीएज जाइमोजाइम इन
क्रैब ब्लड ट्रिगर्ड द पैरोजन प्रेजेंस. ये जो आपके आपके स्पेसिफिक आपके हार्मोन सॉरी एंजाइम होते हैं लाइक इंट्रासेलुलर सेरीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है. प्रोटीएज इज इंग्रेटिंग इन द एंजाइम एज लिखा हुआ है. जाइमोजाइम ये इन क्रैब के ब्लड में पाया जाता है जो कि ट्रिगर्ड होता है पैरोजन के प्रेजेंस में. और ये जो केमिकल्स है ये जो आपके पर्टिकुलर एंजाइम है वो रिएक्ट करके क्लॉटिंग यानी कि फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं. और इस तरीके से हम अपने दिए गए सैंपल में बैक्टीरिया का प्रेजेंस है कि नहीं, ना केवल बैक्टीरिया बल्कि बैक्टीरिया के किसी भी पर्टिकुलर डेड पार्ट जिसको हम लोग एंडोटॉक्सिन बोलते हैं ये प्रेजेंट है कि नहीं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं. तो ये था हमारा लास्ट पार्ट जिसके अंदर हमने बात किया स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. इसी के साथ यूनिट 3 फिर आपके ऑफिशियली खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ डिस्कशन के साथ अपलोड कर देंगे, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा. अगर आप यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के मॉडल क्वेश्चन पेपर उनके आंसर पेपर डिस्कशन देखना चाहते हैं और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं सबका स्क्रीनशॉट एक साथ पीडीएफ के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. स्टोर सेक्शन पर जाकर के कोर्स को ले सकते हैं. वहां पर आपको नोट्स वीडियोस पीडीएफ फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोग्नोसी ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी. सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे. हां स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन का अभी वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन का तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू अगेन एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.